मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एमएम अली स्टेडियम में जो कोविड-19 का सेंटर बनाया जा रहा है और उसमें कुछ हद तक काम भी पूरा हो गया है। ये सेंटर मनपा और नियोन हॉस्पिटल मिलकर तैयार कर रहे हैं, जिसमें 200 बेड की व्यवस्था है। और इस कोविड-19 के सेंटर को शुरू करने में एनसीपी के लोग काफ़ी काम किए हैं, जिसमें सबसे आगे नाम आता है शमीम खान का। मगर अब एनसीपी के ही नगर सेवक शानू पठान ने मनपा कमिश्नर विजय सिंघल से मांग की है कि स्टेडियम में कोविड-19 का सेंटर ना बनाया जाए, बल्कि स्टेडियम के सामने जो TMC का स्कूल है उसमें कोविड-19 का सेंटर बनाया जाए और मुमरा कौसा के लोगों के लिए स्टेडियम खोल देना चाहिए। लोग उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यायाम करें और दौड़ लगाएं, जिससे लोगों को एनर्जी मिलेगी। शानू पठान का कहना है कि स्टेडियम के बजाय TMC स्कूल को सेंटर बनाया जाए। स्कूलों को क्यों नहीं इस्तेमाल में लिया जा रहा है? जो स्टेडियम में लोग व्यायाम करते और दौड़ लगाते हैं, उस स्टेडियम को कोविड-19 सेंटर आखिर क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए मनपा कमिश्नर को लेटर देकर स्टेडियम में सेंटर न बनाने की मांग करते हुए TMC के स्कूल में सेंटर बनाया जाए, ऐसा शानू पठान ने मांग की है। देखिए, मैंने TMC में मांग कर रहा हूँ कि जो कोविड का हॉस्पिटल बनाना है वो स्टेडियम में ना बनाते हुए जो उर्दू स्कूल है हमारे थाना महानगर पालिका की, वहाँ बनाया जाए। क्योंकि दिल्ली सरकार में आप देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि जितने वहाँ पे मैदान है, जितने स्टेडियम है, उन्होंने फिटनेस के लिए खोल दिया। क्योंकि आज हमें शहर के अंदर इसकी दवाई नहीं, कोविड की इसके लिए अगर आपको लड़ना है तो आपके इम्यून सिस्टम हाई होना चाहिए। उसके लिए आपको फिटनेस की ज़रूरत है, उसके लिए आपको वर्जिश की ज़रूरत है, उसके लिए आपको टहलने की ज़रूरत है। कई महीनों से हमारे बुज़ुर्ग पेशेंट लोग घर में रह के उनकी आत्मविश्वास जो है, उनका जो ह्यूमन सिस्टम है वो कम हुआ है। ऐसे में अगर स्टेडियम को अगर हम पूरी कोविड के लिए पैक कर देंगे तो मुमरा कौसा के अंदर ना ही कोई मैदान है, ना ही कोई गार्डन है और ना ही कोई टहलने के लिए, जॉगिंग करने के लिए कोई साधन है। इसलिए मेरी मांग किया हूँ कि उसको उर्दू स्कूल में कोविड हॉस्पिटल को बनाया जाए और स्टेडियम को फिटनेस के लिए खोल दिया जाए। ऐसा स्टेडियम बहुत बड़ा है, अगर स्टेडियम बहुत बढ़ के सोशल डिस्टेंसिंग से लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी फिटनेस सही होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम वहाँ पे पालन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा स्टेडियम, लोग एक ही जगह पे नहीं, कई जगह पे उनके राउंड सर्कलिंग है, जॉगिंग है, टेनिस है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके स्टेडियम में पूरा मुमरा शहर यूज़ कर सकता है। और हमारे पास दूसरी कोई जगह ऐसी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई पार्क है, ना ही हमारे पास कोई गार्डन है। एक रेती बंदर को जॉगिंग टॉक को करना चाहिए अच्छे से और एक स्टेडियम, ताकि मुमरा कौसा की आवाम वहाँ पे जा सके और अपना फिटनेस पे ध्यान दे सके। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।